भोजन और दवाओं की उपलब्धता की हो रही समीक्षा। भारत को रूस से मिली 1.5 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन खुराक की पहली खेप। भारत में वैक्सीन की कमी के बीच महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, पंजाब और आसाम में कोविड टीकाकरण अभियान में तीसरे चरण में आई रुकावट। केरल सरकार ने कहा प्राइवेट लैब में कोविड टेस्ट के लिए अधिक कीमत की मांग पर होगी जांच। नकली दवाइयां बेचने पर या फिर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर की ज्यादा कीमत मांगने पर दिल्ली के वासी कर सकते हैं पुलिस हेल्पलाइन की शिकायत। दिल्ली में कोविड रोगी से 2 किलोमीटर के लिए 8,500 की मांग करने पर एक एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया गया। देशों से ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा उपकरण लाने के लिए भारतीय नौसेना ने तैनात किया विभिन्न जहाजों को। दिल्ली में बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर को 3 मई तक बंद रखने का किया फैसला। ओडिशा सरकार ने 5 मई से 19 मई तक पूरे 14 दिनों की लॉकडाउन की घोषणा की। हरियाणा के कीर्ति हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 8 मरीजों की मौत, मरीजों की उम्र 40 से 75 वर्ष के बीच थी। अंतर्राष्ट्रीय बॉडीबिल्डर जगदीश लाड का वडोदरा गुजरात में 34 साल की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। दिल्ली बटराज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से डॉक्टर लगाए 12 कोरोना वायरस मरीजों की मृत्यु। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के शमशान घाटों पर बड़े बड़े अक्षरों में लगाया गया बैनर, उसमें लिखा है कि यहां पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सख्त मना है। ऐसे में वहां के लोगों का कहना है कि मौतों को रोकने से ज्यादा आंकड़े छुपाने पर काम कर रही है प्रशासन। वरिष्ठ IAS अधिकारी त्रिपुरारी शरण को बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। CBSE कक्षा 10वीं की परिणाम 20 जून को घोषित किया जाएगा। SBI ने अभी अनुमति दिया है कि सब कस्टमर अब अपना KYC डिटेल्स मेल या फिर पोस्ट करके भेज सकते हैं। गुजरात के बारूच हॉस्पिटल में आग लगने के कारण 16 कोविड मरीजों और 2 नर्स की मौत।